अल्लाह, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलते। शिरीन, इस घर में हो क्या रहा है? मैंने सुना वो सोया फिर वैसे ही वारियात कपड़े पहनकर बैठी थी और तुमसे जुबान लड़ा रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ वो कपड़े नहीं बदलना चाहती थी। हाँ तो ऐसे ही तो तहजीब की मौत होती है, पहले थोड़ा सा नानुकुर करेगी, उसके बाद खुल कर मना करेगी, फिर लड़ाई झगड़े करेगी, और खुदा ना करे उसके बाद तुम्हारे लड़के को तुम्हारे खिलाफ कर देगी, जीन्स वाली जादूगरनी। ओहो भाभी, आपको ऐसा लगता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? शिरीन, वो ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि वो बाहर वाली है, उसकी तमीज, तहजीब, खानदान सब कुछ हमसे अलग है। हाँ, हुमैरा होती तो बात ही कुछ अलग होती, लेकिन क्या करें, किस्मत ने सोया को तुम्हारी बहू बना दिया, क्या करें शिरीन। भाभी, अयान ने जो किया है उसका मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे भी खामोश रहना पड़ा निखत के लिए, आप समझती हूँ शिरीन, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब इतना भी तो सोचो ना कि अगर हमने गलती कर दी तो उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि गलती को सर पर बिठा कर रखो। हाँ मतलब? अरे मतलब ये कि शिरीन, अब तुम सिर्फ एक माँ नहीं, सास भी हो, और एक सास को अपनी बहू से हमेशा होशियार रहना चाहिए, और तौबा तौबा ऐसी बहू से तो कुछ ज्यादा ही होशियार रहना चाहिए। हाँ मैं तो तुम्हें सिर्फ आगाह कर रही हूँ, हाँ मेरी बात पर गौर करना तुम। हाँ करूंगी भाभी। ये सोया 6 दिन में इस घर से जाने वाली है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं खामोश रहूंगी। मैं उस सोया की जड़ें इस घर में जमने ही नहीं दूंगी, इतना परेशान करूंगी उसको कि 7 दिन तो क्या, 1 दिन भी उसका इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। सोया का 1 दिन भी इस घर में रहना मेरे लिए अच्छा नहीं। माशाल्लाह, आप तो निखर गई हैं निखर। अच्छा, मैंने 2 तरीके की हल्दी का इंतजाम किया है, एक गीली हल्दी है, एक सूखी हल्दी है, तो जिसको जो लगाना है वो ही लगाए। ओके, मैंने अपना काम कर दिया, अभी आप लोग स्टार्ट कीजिए। अरे दुल्हन की नजर कौन उतारेगा? आप हुमैरा माजी, क्योंकि हम दोनों में ना ये डील बहुत पहले साइन हो चुकी है कि जब निखत बाजी का निकाह होगा ना तो सब काम हुमैरा बाजी करेगी, और जब हुमैरा बाजी का निकाह होगा तो सब काम मैं करूंगी। लेकिन ये बात तो मैंने सोची नहीं कि मेरे निकाह में सब काम कौन करेगा। जाइए बेटा, ये रस्म तो दुल्हन की भाभी को करनी चाहिए। अब अयान का निकाह हो गया है,
अगर नहीं हुआ होता तो बात कुछ और होती। अब इस घर में बहू आ गई, इसलिए हल्दी तुम लगाओगी। अब जो बरसों से रिवाज चलते आ रहे हैं उसे तो निभाना ही पड़ेगा। क्यों? हाँ जोया, तुम हल्दी लगाओगी। नुजात जी, हल्दी की थाल लेकर आओ। जी। हल्दी भी लगाना और नजर भी उतारना। लो बेटा। सोया, लो बेटा, ये तुम्हारा हक है और फर्ज भी बेटा। शेर सुनाया करते थे। अरे आयान मिया, जाते जाते एक शेर हमें भी सुना दीजिए। अर्ज किया है? इरशाद, इरशाद। वाह क्या बात, कि नींद किसी और की हुई पर ख्वाब तुम्हारे हैं। हाय। नींद किसी और की हुई पर ख्वाब तुम्हारे हैं, आयान अहमद खान दिल से आज भी कुंवारे। वाह 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 वाह, क्या बात। ओहो, तो तभी हमारे लिए इतने सारे तोहफे लाए हैं। जी नहीं, दरअसल ये तो हमें पता ही, आप हमारे लिए लाए। जी नहीं, एक्चुअली ये तोहफे मैं किसी और के लिए लाया हूँ, लेकिन आपके लिए मैं बाद में ले आऊंगा, आई प्रॉमिस। और ना दे तो? जी ना दे मतलब, अरे प्लीज प्लीज मेरा बैग दे दीजिए। प्लीज शाजिया, बैग, शाजिया बैग दे दो प्लीज, आई नीड द बैग शाजिया। I'm so sorry, Zoya. I'm really sorry. Zoya, मैंने तुम्हें देखा नहीं, आई ओके? इनके अपने निकाह में तो कोई रस्म हुई नहीं, इसलिए दूसरों के निकाह में हल्दी लगवा रही हैं। देर आए दुरुस्त आए, निखत के साथ साथ इनकी हल्दी भी हो गई। हल्दी निखत की है, सारे मोहल्ले की नहीं है जो सबके सब हल्दी में नहाए हुए हैं। और आयान, तुम यहां क्या कर रहे हो? अरे लड़कियों के रस्म में तुम्हारे यहां कोई काम ही नहीं है, जाओ जल्दी से जाकर तैयार हो। वैसे भी हसीना के घर जाना है फरहान की हल्दी लेकर, हजार काम है, दूल्हे के कपड़े, तोहफे, कितना कुछ है। और यहां दुल्हन का भाई है कि उसे हल्दी से फुर्सत ही नहीं है। और ये दूल्हे के कपड़े कहाँ हैं? वो मुमानी हुमेरा बाजी के पास है, उन्होंने डिजाइन करवाया था ना। हाँ तो हुमेरा, जाओ ना निकालो कपड़े, तुमको भी तो आयान के साथ जाना है। जी अम्मी, लेकिन भाभी आयान के साथ तो जोया को जाना चाहिए। Thank you.
क्यों शेरिन? अरे आयान के साथ हुमैरा क्यों नहीं जा सकती? अम्मी रहने दीजिए ना। क्यों रहने दूँ हुमैरा? शेरिन तो पता नहीं नई नई रस्में निकाल रही है। मैंने कौन सी नई रस्म निकाली है भाभी? निकाह तो बहुत पुरानी रस्म है। इन दोनों का निकाह हो चुका है, इन दोनों को साथ जाना चाहिए। और फिर हसीना भी को क्यों मौका दे? पता नहीं क्या बातें बनाएंगी। अम्मी मैं अकेले चले जाता हूँ ना, ठीक है? नहीं, फरान को हल्दी लगेगी और हल्दी बहू लगाती है। जोया तुम जाओगे इसके साथ। जाओ बेटा, अयान लेकर जा। जी। जा। नजमा जी, लो ये कुछ गंदे कपड़े, इन्हें ले जाके अलग अलग बाल्टी में भिगो दो। जी अम्मी, वॉशिंग मशीन कहाँ है? मुझे ना तुम बच्चों की यही बात पसंद नहीं आती, हर चीज के लिए मशीन। अरे मशीन कहाँ वो सफाई कर पाएगी जो हाथों से होती है। तुम इन कपड़ों को ना अपने इन हाथों से धोना। सुनो, फरान से भी पूछ लेना उसका कोई कपड़ा धुलने वाला हो तो, हैं? तब तक मैं हल्दी की तैयारियां देखती हूँ, मेहमान भी आने वाले होंगे। फरान भाईजान, भाईजान गीले क्यों है? आप यहां? जी भाईजान, वो एक्चुअली मैं धोने के लिए कपड़े लेने आई थी। अब एक्चुअली ये कपड़े गीले हैं। गीले कैसे हो गए? ओ हाँ, कल रात बारिश हो रही थी ना। पर कल रात तो आप घर पर ही थे ना? आइंदा बिना पूछे हमारे कमरे में मत आइएगा। वो क्या है कि हमें पसंद नहीं हमारे कमरे में आकर कोई सामान छेड़े। यहां जो चीजें जैसी रखी है हमें वैसे ही पसंद। जी माफ कीजिएगा। सॉरी, मुझे सच में दिखाई नहीं दिया कि तुम वहां खड़ी थी। I'm sorry. क्या हुआ, अभी भी नाराज हो मुझसे? तुमसे नाराज नहीं हूं मैं,
उन सब लोगों पे नाराज हूं मैं। तुमने देखा, एक छोटी सी बात है कि हल्दी गिर गई तो गिर गई ना। इस सबको इतना इलेबोरेट करके इतनी रोमांटिक मूवमेंट बनाने की क्या जरूरत थी? दूल्हा दुल्हन है, इनकी तो वैसे भी हल्दी नहीं हुई। चलो अच्छा हुआ इसी बहाने हल्दी की रस्म हो गई, ये वो। मतलब इनकी खुद की लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, दूसरों की लाइफ में इतना इंटरेस्ट लेते हैं ये लोग। एब्सोल्युटली राइट, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। अब सोया तुम ही देखो ये फुप्पियों और खालाओं की जिंदगी में होता क्या है। कोफ्ते तुमने आज बड़े हार्ड बना दिए, गले से उतर नहीं रहे नीचे। कल रात को जो दालगोश बनाई थी वो तुमने फ्रिज में रखी नहीं, वो खराब हो गई। और प्याज के भाव तो इतने बढ़ गए कि पूछो मत, मटन चिकन घर पे बन नहीं रहा, सेहत उतरती जा रही है। अब इन लोगों की जिंदगी में इतनी एक्साइटिंग चीजें ऑलरेडी चल रही हैं, तो वो दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं देंगे तो क्या करेंगे, आप बताइए। सच्ची में इतना इरिटेट हो जाती हूँ ना, छोटी सी बात को ऐसे एंजॉय करना। एनी हाउ मियां, आपको ये पता होना चाहिए कि अब फरहान के घर पे हल्दी लेके हम ही दोनों को जाना है। तो ठीक है, अगर तुम रेडी हो तो फिर मैं हमारे से सामान ले आता हूं, दो मिनट। आयान तुम रुको, मैं जाती हूं। आई शो यस। It's me. मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी हुमैरा। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूं कि तुमसे इस बारे में बात करूं, लेकिन वक्त ही नहीं मिल रहा। हुमैरा, मैं यहां अपनी कोई सफाई देने या तुमसे किसी तरह की कोई सिंपथी जताने नहीं आई हूं। बस मैं तुमसे इतना कहने आई हूं कि मैं अच्छी तरह जानती हूं कि इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है और तुम कैसा फील कर रही हो, क्योंकि ये सब कुछ जितना मुश्किल तुम्हारे लिए है उतना मुश्किल मेरे लिए भी है। क्योंकि जो कुछ हुआ कोई नहीं चाहता था कि वैसा कुछ हो। And I hope कि तुम ये बात समझ सकती हो कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पर फिर भी इस सबसे तुम काफी हर्ट हुई हो और जाने अनजाने मेरी वजह से तुमने बहुत परेशानी उठाई है, उसके लिए I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। और हुमैरा तुम फिक्र मत करो, इसे भी मैं बहुत जल्द यहां जानती हूं। आपके और आयान के बीच में जो कुछ भी बातें हुई है सब आयान ने मुझे बता दी है। मुझे पता है कि कल निखत बाजी के निकाह के बाद आप यहां से जा रहे हो हमेशा के लिए। और प्लीज हुमैरा, ये जो भी कुछ हुआ है उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाना। ख्वाब और हकीकत में फर्क होता है सोया। ख्वाब को भूल जाओ तो ख्वाब का वजूद मिट जाता है, लेकिन हकीकत हमेशा उसी जगह पे कायम रहती है। मैं भले ही सब कुछ भूल जाऊं लेकिन सच्चाई बदलने नहीं वाली है। सच्चाई यही है कि आप आयान की बीवी हैं। आप दोनों का निकाह हो चुका है और आप दोनों ने निकाह नामे पे दस्तखत किए हैं।
क्या लगता है जोया, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? कल आप यहां से चली जाएंगी, शायद आप असद भाईजान के साथ निकाह कर लेंगी, शायद मैं आयान के साथ निकाह कर लूंगी। लेकिन पिछले 7 दिनों में जो कुछ भी हुआ है, क्या हम में से कोई ये भुला पाएगा? मैं शायद भूल जाऊंगी कि भले आयान की मैं पहली मोहब्बत हूं, लेकिन ये मैं कैसे भूल जाऊं कि आयान की पहली बीवी आप हैं।